आखिर आरजेडी सुप्रीमो ने सोने से क्यों की अपनी तुलना? क्या जेल से निखर कर निकलेंगे लालू प्रसाद यादव? चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई है। उनके ट्विटर हैंडल से लगातार नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लालू ने खुद की तुलना सोने से की है। लालू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, सोने को तपाया जाता है तो उसका क्या होता है। जाहिर है लालू ने अपने इस ट्वीट के जरिए इतना तो साफ कर दिया है कि वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके लिए ये वक्त ठीक वैसा ही है जैसा सोने का होता है, जो कि आग में तपने के बाद ही खरा सोना बनता है। साथ ही वो अपने इस ट्वीट के जरिए राजनीतिक विरोधियों जेडीयू और बीजेपी को भी दो टूक चेतावनी देते नजर आए कि भले ही उन्हें लग रहा हो कि लालू यादव को जेल में बंद करने के बाद उनके लिए आगे का रास्ता सरल हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। जेल जाने के बावजूद वो सक्रिय राजनीति से अलग नहीं हुए हैं और सूबे की राजनीति में उनका दखल हमेशा बना रहेगा। इस ट्वीट के जरिए लालू ने साफ कर दिया है कि जेल में सोने की तरह तपने के बाद वो और मजबूत होकर लौटेंगे। इससे पहले भी जेल जाने के दौरान लालू ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित और सचेत रहने की अपील करते नजर आए। साथ ही उन्होंने लिखा था कि वो अपने विचार और संदेश जेल में मुलाकात करने वाले लोगों के जरिए अपने परिवार को पहुंचाएंगे, जो उसे आगे ट्वीट करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू ने अपना ये संदेश किसी मुलाकाती के जरिए अपने परिवार वालों तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े मामले में 23 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद से ही लालू यादव फिलहाल राज्य के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्हें 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। इंडिया न्यूज़ वायरल रिपोर्ट।